शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि अपने जो हार्ट की मसल्स है वह इलेक्ट्रिसिटी से ही कॉन्ट्रैक्ट होती है। हार्ट में एक नोड होता है जिसको ऐसे नोड बोलते हैं, वह एक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता है जो हार्ट को पंप करवाती है। इसलिए आपने हॉस्पिटल में इस डिवाइस को तो पक्का देखा होगा जिसको ECG बोलते हैं। अब इसका फुल फॉर्म ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, तो हार्ट में जो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती है उनको ECG आसानी से मेजर कर लेता है। तो जिन लोगों का हार्ट कमजोर होता है उनमें इलेक्ट्रिक पल्स सही से जनरेट नहीं होती है। तो मेडिकल फील्ड से हैं वह, हम सबको बताएं कि इस नोड के पास में इलेक्ट्रिक पल्स कहाँ से आती है। मैं उनका कमेंट पिन जरूर करूंगा। अभी और भी बहुत सारे फैक्ट की अपन बात करने वाले हैं, तो बने रहिए। आपको क्या लगता है, जब लाइटिंग स्ट्राइक होती है तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि लाइटिंग जमीन पर गिर गई है, और कई बार नहीं हमेशा ही ऐसा लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में जब बादल अपने आप को डिस्चार्ज करते हैं इन लाइटिंग के थ्रू, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जमीन से बादल की तरफ होता है। बादल जो होते हैं उनमें नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज होता है और हमारी जो अर्थ है वह पॉजिटिवली चार्ज है। तो बहुत बार आप नाइट में इन बादलों को देखना, जब लाइटिंग स्ट्राइक होती है तो इनमें बहुत सारी विंग्स होती हैं। बेसिकली यह विंग्स अर्थ से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, और इन विंग्स में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। और जिस भी विंग को अर्थ से कॉन्टेक्ट मिल जाता है तब जाकर एक जबरदस्त लाइट हमें दिखाई देती है। आपको पता ही होगा करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, तो जैसे ही बादल का अर्थ से कॉन्टेक्ट बनेगा इस चमकदार लाइटिंग में पॉजिटिव आयंस नीचे से ऊपर बादल की तरफ जाएंगे और उनको डिस्चार्ज कर देंगे। पूरे यूनिवर्स में सबसे फास्ट लाइट ट्रेवल करती है, जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, और हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड भी लगभग लाइट के बराबर ही है, 2,70,000 किलोमीटर पर सेकंड। एक फिश है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ईल। यह 500 टू 600 वोल्टेज तक इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करती है, और इसके पास में भटकने वाले छोटे जानवर को यह आसानी से मार देती है। यहाँ तक कि बड़ी शार्क फिश को भी यह एक बार मजा चखा सकती है। इस बड़े क्रोकोडाइल को आप देख सकते हो, इस ईल ने इसकी जान भी ले ली है। तो ऐसे ओशियन के अंदर जाने से पहले जरूर से देख लेना कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक ईल तो नहीं है ना, क्योंकि यह इंसान की जान भी ले सकती है, वरना पैरालाइज तो कर ही देगी। और ऐसा नहीं है कि यह एक ही शॉक देती है, इसके बारे में और जानने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी उन लोगों को दी जाती है जिनको सीवियर मेंटल हेल्थ या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो। इस थेरेपी में 70 टू 120 वोल्ट की इलेक्ट्रिक पल्स ब्रेन में भेजी जाती है, लेकिन असल में इस वोल्टेज का 20% ही ब्रेन तक पहुंचता है अपने स्कैल्प की वजह से। असल में ब्रेन में भी न्यूरॉन्स आपस में इलेक्ट्रिक पल्स से ही सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, तो इस तरीके से ब्रेन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वह बदल जाता है, जिससे मेंटल हेल्थ को कंट्रोल किया जाता है, और यह एक बहुत इफेक्टिव तरीका भी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। 1880 में दो करंट के बीच में युद्ध चल रहा था, एक का नाम था निकोला टेस्ला, दूसरे का नाम था थॉमस एडिसन। निकोला टेस्ला ने AC को इन्वेंट किया और एडिसन ने DC को, और यह दोनों अपने करंट को पॉपुलराइज करने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन लास्ट में जीत होती है निकोला टेस्ला की, यानी AC की, क्योंकि यह सेफ भी है और लॉन्ग डिस्टेंस पर यूज करना भी आसान है। इसलिए मैं कहता हूँ कि निकोला टेस्ला बुक समरी को कुकू FM पर एक बार जरूर से सुनना, आपको निकोला टेस्ला के इन्वेंशन और उनके मास्टरमाइंड के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुकू FM इतना शानदार प्लेटफॉर्म है कि आपको बुक पढ़ने का कोई झंझट ही नहीं है। अदर काम करते करते भी ईयरफोन लगाकर आप इन बुक की ऑडियो समरी सुन सकते हो। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी आप इन बुक की ऑडियो समरी को सुन सकते हो। इतना ही नहीं, इसके अलावा मेरा कूपन कोड LDA50 यूज करने पर आपको तुरंत 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, और एक साल की कॉस्ट हो जाएगी 199 रुपी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जरूर से डाउनलोड करें कुकू FM ऐप को। टेजर एक डिवाइस होती है जो जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक देती है। इस डिवाइस का वोल्टेज 15,000 वोल्ट होता है, जो किसी भी इंसान को पैरालाइज कर देता है, लेकिन यह पब्लिक यूज के लिए नहीं है, इसका यूज गवर्नमेंट सिक्योरिटी लाइक पुलिस वगैरह करते हैं। जो न्यूट्रल वायर होता है, जिसको हम रिटर्न पाथ भी बोलते हैं, उसका वोल्टेज 0 होता है, हमारे टच करने पर कोई करंट नहीं लगेगा, लेकिन जब सर्किट क्लोज होता है तब फेज वायर से जो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है वह न्यूट्रल से अपना पाथ कंप्लीट करती है, और इस कंडीशन में न्यूट्रल जानलेवा भी बन सकता है। जो घरों में लाइट बल्ब होता है, यदि वह 100 वाट का है तो 10% यानी 10 वाट का ही लाइट जलाने में काम में लेगा, बाकी 90 वाट की वह हीट जनरेट करता है, और इसी 10% से LED लाइट जल जाती है। तो इस बल्ब को सर्दियों में एज ए हीटर भी रूम में काम में लिया जा सकता है।
अब इसे बेवकूफ़ी कहें या समझदारी, आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी का मेजर सोर्स फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, डीजल, न्यूक्लियर एनर्जी है, जो पोल्यूशन का बहुत बड़ा रीजन है। जबकि हमारी अर्थ पर पानी, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी इतनी पर्याप्त है कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। मेरे ख्याल से जो पैसा मार्स, मून, इसके अलावा और भी अदर प्लेनेट पर लाइफ ढूंढने के लिए खर्च किया जाता है, उसका आधा भी अर्थ के लिए खर्च किया जाए तो अर्थ एकदम हेल्थी रहेगी रहने के लिए। आपका क्या ओपिनियन है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। हमारे घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए डिमांड और सप्लाई मीट होना बहुत जरूरी है। यदि 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है जनरेटिंग स्टेशन पर और रास्ते में कोई ट्रांसमिशन लाइन ब्रेक होने के बाद में 50 मेगावाट ही यूज हो रही है, तो 50 मेगावाट वेस्ट हो जाएगी, जिसके पीछे लगने वाली कोल एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि थर्मल स्टेशन पर जनरेटर को बंद करना और चालू करने में 8 से 10 घंटे का टाइम लगता है, इसलिए उनको बंद नहीं किया जाता है। छिपकली को आपने दीवार पर चलते हुए देखा होगा, हमें लगता है कि ये बहुत आसान है, पर छिपकली फ्लैट और कम फ्रिक्शन वाली दीवार पर भी आसानी से चल सकती है, क्योंकि छिपकली के पैरों के बीच में और दीवार के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से वह अपनी पकड़ को दीवार पर बनाए रख सकती है। माइक्रोवेव जब खाने को गर्म करता है तब उसमें एक डिजिटल वॉच लगी रहती है, जिसमें टाइम चलता है, और यह डिजिटल वॉच ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है खाना गर्म होने वाली एनर्जी से। हमारे घर का स्विच ऑन ऑफ करना बहुत आसान है, लेकिन बड़ी लाइन, खासकर 400 केवी, 765 केवी लाइन को ब्रेक करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि जब लाइन को ब्रेक किया जाता है तो जिस पॉइंट से लाइन ब्रेक होती है वहां पर बहुत ज्यादा हाई लेवल के ट्रांजिएंट्स क्रिएट होते हैं, जो उसी ट्रांसफॉर्मर को डैमेज कर देते हैं जो इस वोल्टेज को इतना हाई वोल्टेज तक लेकर जाता है। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि लाइन को जब वापस क्लोज किया जाता है तो एकदम से स्पाइक क्रिएट होती है, और इस स्पाइक को ग्राउंड कर दिया जाता है। यह जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन के टावर है, इनको ग्राउंड किया रहता है, इसलिए इन टावर के पास में भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब यह जो स्पाइक क्रिएट होती है तो हाई वोल्टेज जमीन के अंदर जाता है, जिससे आसपास के एरिया में इलेक्ट्रिक शॉक पैदा होता है। वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर को आपने देखा होगा, वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट वोल्टेज सिर्फ 3-5 वोल्ट ही होता है, जबकि उसमें करंट बहुत ज्यादा हाई होता है, 100 एम्पियर से भी ज्यादा हो सकता है। इसी वजह से वेल्डिंग होती है हाई करंट मेटल को पिघला देता है। गूगल पर 100 सर्च पर होने वाले इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 60 वाट के बल्ब को 28 मिनट तक जलाकर रख सकता है, और गूगल पर एक दिन में 5.6 बिलियन सर्च होती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। गाड़ियों में फ्यूल जलाने के लिए स्पार्क प्लग यूज होता है, जो 45,000 वोल्टेज तक यूज करता है स्पार्क जनरेट करने के लिए। क्या आप बता सकते हो कि गाड़ियों में 12 वोल्ट की बैटरी होती है और फिर इतना वोल्टेज कहाँ से आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर से फ्लो होती है तो कंडक्टर गर्म होने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी कंडक्टर के एटम्स को ट्रांसफर करते हैं कोलिजन के थ्रू, और इस ट्रांसफर के बीच में रेजिस्टेंस आता है जो इलेक्ट्रिसिटी को खा जाता है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस वीडियो में इतने ही फैक्ट की बात करेंगे, यदि डिमांड हुई तो पार्ट 2 भी जरूर से लेकर आएंगे। कुकू FM का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जरूर निकोला टेस्ला बुक समरी को सुनना। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।